और जब ये सारा ये बादल फटा था, पानी आया था ऊपर से, मैं उस साइड खड़ा हुआ था यहाँ इधर, जहाँ हम मकान देख रहे हो। तो फ्रेंड्स पीछे देख लो, ये जो हमारे खेत में पानी आ रहा है ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसा लास्ट टाइम अक्टूबर में आ रहा था, और इसमें बहुत ही हैवी रेन्स हो रही हैं। और आपने देखा होगा एक ब्लॉग में पीछे मैंने नालियाँ सारी सेट की थी, और उसकी वजह से ये सारा पानी है ये खेत में नहीं फैल रहा। मुझे पानी कुछ नज़र आ रहा है और मेरे पैर भी हो गए, इसमें आपको डूबे हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक तो पानी ठीक है, पर यहाँ पानी कुछ जमा हो रहा है इस साइड को, ये क्यों हो रहा है ये देखना पड़ेगा। ऊपर से भी देख के आते हैं एक बारी, पानी तो निकल रहा है यहाँ से। हाँ हाँ, अच्छा देखता हूँ अभी। यहाँ लास्ट में मैंने नाली सही की थी, अभी पानी यहाँ पे आ रहा है पर निकल रहा है। अभी यहाँ से काफ़ी पानी आ रहा है खेत के अंदर, लगता है पूरा रोड का पानी यहीं पे आ गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो काफ़ी पानी है रोड का, वो लगता है लैंड में जा रहा है हमारे, देखते हैं कहीं से इसको ब्लॉक करते हैं ताकि इसका जो प्रेशर है रुक जाए, नीचे न जाए। तो होता है ये जो पानी रोड पे आता है ये डाइवर्ट होता है और एक कलमट होता है, कलमट में से निकल जाता है ये, और कलमट में से निकल के जो पानी है वो फिर आगे रास्ता ढूंढता अपना, और अभी वो काफ़ी सारा हमारे लैंड में आ रहा है उधर से। फ्रेंड्स बरसात बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है, अभी नीचे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे जो हमारी मेन नदी है रामगढ़ नदी, तो उसमें कितना पानी है और क्या सिचुएशन है नीचे, मैं नीचे देखने जा रहा हूँ। कोई लैंडस्लाइड नहीं हुई, ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब नीचे खुला हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो सामान जो हमें चाहिए, जैसे हमारा ऑयल खत्म हो गया, तो एटलीस्ट मैं वो ऑयल ले आऊँ मैं। ये जो छोटा सा नाला है ये थोड़े दिन पहले बिल्कुल सूखा हुआ था और अब बिल्कुल भयंकर रूप से आ गया। ये छोटे छोटे नाले अब सारे तक नदियों में मिल रहे हैं, और नदियों में मिलने के बाद ये जो नदी का वेग है वो और तेज हो जाता है। लो भाई नदी भी आ गई अच्छी खासी, थोड़े दिन पहले जब मैंने देखा था तरसों की बात है, ये इस नदी में इतना पानी नहीं था, अब सारा देखो क्या पानी पानी चारों तरफ से आ रहा है इसके अंदर, और क्या विकराल रूप सारी नदी। कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ये 5 से 6 दिन बरसात और चलेगी, कीपिंग और फिंगर्स क्रॉस्ड, थोड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी लेके चलना पड़ेगा।
क्या हो गया, डर लग गई भैया, रिस्क मत लो, बैठो अभी बहुत तेज है, यहाँ से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ। तो ये लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं यहीं खड़ा हुआ था, और जब ये सारा ये बादल फटा था, पानी आया था ऊपर से, मैं उस साइड खड़ा हुआ था यहाँ इधर, यहाँ मकान देख रहे हो। और लगभग उसके दो घंटे बाद जब ये सैलाब आया तो ये पानी का लेवल यहाँ तक था, और ये अभी स्टोन सॉप देख ही रहे हो इसके अंदर, और पीछे जो घर थे सारे ये भी बह गए थे इसके अंदर। और होपफुली ऐसी कंडीशन दोबारा नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, गाड़ियाँ रुक गई यहाँ पे, क्योंकि कभी पता नहीं आपको पानी कभी भी फ्लो तेज हो जाए तो एकदम पानी ऊपर से आ जाता है। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता ना कि जो रेंज होती हैं वो ये नहीं कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक जगह पर कम हो रही हैं, तो पानी कहीं से ही बहुत तेज़ी से आ सकता है। इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि रोड काफ़ी डैमेज है, और एक गाड़ी वाला भी रिस्क लेके जा रहा है, निकला है, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल, तो आई एम टर्निंग बैक। तो दोस्तों रिस्क ये होता है जब कोई गाड़ी निकालता है, अगर थोड़ा सा भी पानी आ रहा है, अगर उसकी गाड़ी पीछे बंद हो जाती है या कोई पत्थर में अटक जाती है, तो उस समय अगर पानी तेज हो जाए, बहाव तेज हो जाए, तो फिर वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी कई वीडियोस देखे हैं कि स्कॉर्पियो बह गई, आदमी को लगता है कि पानी का लेवल तो एक फुट का लेवल है, मैं तो निकाल लूंगा, पर जो पानी का फ्लो होता है ना, अगर वो आधा फुट भी हो, 6 इंच भी, वो गाड़ी को उठा के पलटा सकता है खाई की तरफ। तो ये रिस्क कभी ना ले, जहाँ पानी हो वहाँ रुक जाए।